रीवा शहर जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 30 मार्च को एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे। मुख्यमंत्री दोपहर इंदौर से वायुयान से प्रस्थान कर खजुराहो एयरपोर्ट पहुंचे, जहां खजुराहो से दोपहर हेलीकॉप्टर से प्रस्थान कर शाम 4 बजे SAF मैदान रीवा हेलीपैड पहुंचे। मुख्यमंत्री SAF मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार दिवस में कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में मुख्यमंत्री निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया, इसके साथ ही भूमि पूजन भी किया, कन्या पूजन करके बेटियों का सम्मान किया। मुख्यमंत्री रोजगार दिवस समारोह में विभिन्न रोजगार तथा स्वरोजगार योजनाओं से हितग्राहियों को लाभान्वित किए। वहीं इस दौरान कई बेरोजगारों ने जमकर हंगामा भी मचाया। समारोह के बाद मुख्यमंत्री शाम 5:25 पर कार से प्रस्थान कर वात्सल्य हॉस्पिटल पहुंचे, जहां नवनिर्मित अस्पताल का शुभारंभ किया। गत दिवस राजनिवास में हुए दुष्कर्म मामले में जहां विपक्ष ने मुख्यमंत्री को घेरने की कोशिश की, तो वहीं बेरोजगार युवकों के द्वारा भी जमकर हंगामा मचाया गया। इसके साथ प्रशासन के हाथ पांव भी फूलते रहे। कार्यक्रम के समापन के बाद मुख्यमंत्री रीवा से रवाना हुए, जिसके बाद पार्टी के लोगों के साथ ही प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। कि 1 साल में 1 लाख सरकारी भर्तियां निकाली जाएगी, जिससे सारी सीट बेच देते हैं और हमारा सिलेक्शन करते हैं, हम यहाँ बैठे हैं। किया कि 1 साल में 1 लाख सरकारी भर्तियां निकाली जाएगी, जिससे सारी सीट बेच देते हैं और हमारा सिलेक्शन करते हैं, हम यहाँ बैठे हैं। किया कि 1 साल में 1 लाख सरकारी भर्तियां निकाली जाएगी, विकास के और नए द्वार खोलेंगे। और केवल रीवा नहीं, जितने हमारे साथी बैठे, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का गौरव दिवस, हर एक गांव का गौरव दिवस, ताकि वो गांव आगे बढ़ सके। और एक बात और, स्वच्छ धामें हमेशा इंदौर नंबर 1 रहता है, हमको गर्व होता है, लेकिन रीवा क्या इंदौर से कम है जी? रीवा में क्या कमी, मैं पूछना चाहता हूँ। अपना गौरव दिवस मना रहा है बिंद की धरा पर, ये रीवा का गौरव दिवस मनाया जाना चाहिए। रीवा किसी से कम नहीं है। मैं आज आह्वान करता हूँ, रीवा के लोग तय करें कि हम रीवा का गौरव दिवस मनाएंगे और जनता और सरकार मिलके रीवा और बिंद को और आगे ले जाएगी। बोलिए, मनना चाहिए कि नहीं गौरव दिवस? अरे जोर से बोलो, मनना चाहिए। सरकार है ये, मैं किसी भी को बर्दाश्त नहीं करूंगा।